देवोत्थानी एकादशी के मुहूर्त में रामनगरी हर तरफ भक्तों की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। रामनगरी की पंचकोशी परिक्रमा कार्तिक शुक्ल एकादशी के मुहूर्त में लगने के साथ ही गुरुवार को रात 8:33 से ये शुरू हो गई है, लेकिन उसका शिखर शुक्रवार को सूर्योदय के साथ परिभाषित हुआ। सूर्योदय के बाद से कुछ घंटे तक नगरी में पंचकोशीय परिधि में तिल तक रखने की जगह नहीं थी। श्रद्धालुओं का ज्वार राम का नाम जपते हुए आस्था के पथ पर पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ रहा था। श्रद्धालुओं के समूह में युवाओं हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, वृद्ध महिलाएं हो, बच्चे हो, सब शामिल थे। सभी के चेहरे पर पुण्य अर्जित करने का एक संतोष भी था। वैसे तो पंचकोशीय जो पदयात्रा है वो कम नहीं होती है, 5 कोस की होती है, लेकिन श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ इसे पूरा भी करते हैं। परिक्रमा को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम नजर आए। न केवल पुलिस के जवान सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा खींचे हुए थे जगह जगह, बल्कि थोक ड्यूटी में मुस्तैद नजर भी आए पुलिस वाले, और सभी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रशासनिक अमला भी यहाँ परिक्रमा मार्ग पर सक्रिय रहा। नगर निगम सहित अनेक स्वयंसेवी संस्था और श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद रहे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं अविनाश। अविनाश, यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों के चेहरे पर एक खुशी, एक आस्था का छटा देखने को मिल रही होगी? अविनाश, मेरा सवाल है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से और भक्तों में किस प्रकार का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या में देवो धान एकादशी पर पंचकोशी परिक्रमा शुरू हो गई है। इसमें शामिल होने वाले प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु अपने परिवार सहित वहां पहुंचे हैं। उन्होंने श्रीराम के नारे लगाकर परिक्रमा मार्ग चौराहे से परिक्रमा का शुभारंभ किया है। जाहिर है अविनाश, यहाँ पर 5 कोशी यानी 5 कोस की ये कोई कम जगह नहीं होती है, बहुत लंबा सफर होता है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर वृद्ध महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी बड़े उत्साह के साथ चेहरे पर उनके तेज नजर आ रहा है और सभी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, जो बच्चे हैं उनके, श्रद्धालुओं के में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। आस्था का पथ राम भक्तों की भीड़ से गुलजार है। रामनगरी की अत्यधिक परिधि में भक्तों की जय जयकार गूंज रही। आस्था का पथ नापने के लिए लगातार बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। इस वजह संपूर्ण अयोध्या में नगरी जय श्री राम और जय सरयू मैया के जयकारों से गूंज रही है। जी, लाखों की भीड़ की एक आंकड़ा बताया गया है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि लाखों की भीड़ है, जाहिर है कि हल्की सी किसी अफवाह या धक्का मुक्की से कई लोगों की जान जा सकती है, और कई बार ऐसा हुआ भी है पिछले अवसरों में। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अविनाश। और जिस तरह से लाखों लोगों की यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है, जाहिर है कि पहले से ही प्रशासन ने, ये सिर्फ पहला मौका नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से, चाहे वो कोई भी अवसर रहा हो, चाहे कुंभ रहा हो, कोई भी अवसर रहा हो, चाहे कांवड़ियों के मौके रहे हो, उन्होंने बड़ी खूब व्यवस्था की है श्रद्धालुओं के लिए, और वही व्यवस्था यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। जहाँ अयोध्या में इतने लोगों का सैलाब है, फिर भी मैनेजमेंट पूरी तरह से सक्रिय है, चप्पे चप्पे पर नजर है, किसी भी असामाजिक तत्व से कोई दुर्घटना या फिर घटना को अंजाम ना दिया जा सके, और पूरी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अपने मन से और खुश होकर इस पूरी परिक्रमा 5 कोस की से पूरी कर रहे हैं। Yeah! 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 Yeah!